दोस्तों इस रिमझिम वाली बारिश के अंदर मैं पहुंच गया हूं होताई लेक देखने के लिए। यहाँ के लोगों के लिए पूजा का स्थान और टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए एक बहुत ही आकर्षित केंद्र है। ये 9 मंजिला बना हुआ एक स्तूप है। यहाँ पर 1959 में एक पीपल का पेड़ बोधि ट्री भेंट किया गया था। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। हाउ आर यू? यस वी आर फाइन। ओह सिस, मेरी फोटो दिखा रही है भाई। यू आर वियतनामीज। यस नाइस। हाथाई लेक के पीछे कहानी है कि यहाँ पर एक ड्रैगन किंग हुआ करता था, यानी ड्रैगन राजा था। उस राजा ने यहाँ पर एक 9 पूंछ वाली एक लोमड़ी थी, जिस एग कॉफी मैं बता रहा हूँ वो एक गियांग नाम के बंदे ने बनाई थी। ये 1940 की बात है। युद्ध के दौरान दूध की कमी हो गई तो उसने सोचा कि मैं इसके अल्टरनेटिव क्या निकाल सकता हूँ। उसको तो भाई ये कॉफी शॉप है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना क्राउड है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं वियतनाम की कैपिटल हानोई में हूँ और इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। यहाँ पर हानोई मैं कल रात को पहुंच गया था। आपने मेरे पिछले भाग में देखा होगा कि लगभग 95 किलोमीटर की राइड की मैंने, और आज मैं हानोई में हूँ। हानोई में मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि साइकिल का थोड़ा काम करवाना है, और मैंने काफ़ी दिन से बोल रहा था कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। सो भाई मैंने डिसाइड किया है कि एक नया लैपटॉप खरीदने की। सो हमारे एक भाई हैं जयपुर से, वीरेंद्र भाई, उन्होंने हमारी मदद की है। उन्होंने हमें 30,000 रुपये सेंड किए, लक्की भाई और वीरेंद्र भाई। सो थैंक यू सो मच भाई लोग। और अब मैं शायद वो लैपटॉप खरीद पाऊँगा। लैपटॉप का जो प्राइस है भाई वो अराउंड 65,000 है, 65,000 के आसपास है। तो उन्होंने आधा भेज दिया, आधा अपन अपनी तरफ से कर लेंगे। सो यस, मैं अभी रेडी हो गया हूँ। आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ हानोई सिटी। सो आज हम घूमेंगे साथ में हानोई। लेकिन 9:26 हुए हैं। सो दोस्तों हानोई है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना शहर है, यानी होचिमिन की तरह नया नहीं बताया जाता इसको। और ये रेड लाइट होने से पहले पहले मुझे भागना होगा भाई साहब, यहाँ कोई फॉलो नहीं करता रेड लाइट को। देख रहे हो आप, ये मोहतरमा कहाँ से घूम के आ रही। कल मैं जिस इलाके से आया था आज हमें गूगल बाबा उसी इलाके से लेकर जा रहे हैं। वियतनाम में एक चीज़ खास है, सुबह होती है सब लोग कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ आ जाते हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए, और रोड के सारे सारे आपको ब्रेकफास्ट करते हुए नज़र आ जाएंगे। कि लेफ्ट साइड में मॉल वगैरह है, यहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो आज की शुरुआत करते हैं हानोई के बोटेनिकल गार्डन से, और यहाँ से हमारी एंट्री होती है। तो चलो जी बोटेनिकल गार्डन चलते हैं। सबसे पहले अपने को करनी है अपनी लीलन को कहीं पर पार्क, और उसके बाद अपन लोग घूमें। भाई यहाँ पर मैंने साइकिल पार्क कर दी है, साइकिल पार्क करने की जगह है यहाँ पर। उस जगह पर आप अपने बाइक वगैरह पार्क कर दोगे और यहाँ पर पहुँचेंगे, देखेंगे हमने चिड़ियाओं के लिए इन्होंने घर बना रखा है। सोन चिड़िया बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं वो वाली चिड़िया हैं इसके अंदर भाई, मतलब बाहर भी उड़ सकती है लेकिन उनके लिए एक सेफ जोन बना दिया इन्होंने। ऊपर तो देखो कितनी सारी बैठी हुई हैं, इसमें दाना पानी सब रखा हुआ। ये अच्छा लगा भाई मुझे, ये गार्डन मुझे देख कर अपना जो दिल्ली में लोधी गार्डन और नेहरू पार्क उसकी याद आती है। लोधी गार्डन ज़्यादा लग रहा है, लोग वहाँ लोग उस तरफ खेल रहे हैं, कुछ डांस वगैरह कर रहे हैं, और ये यहाँ पर लेक बना रखी है। मैंने आपको बताया था हानोई में ना लेक बहुत ज़्यादा है, तो आज हम देखते हैं कितनी जगह कवर कर पाते हैं। तो सबसे पहली जगह वो है बोटेनिकल गार्डन। या पार्क में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हर एक कोने कोने में इन्होंने वो बना रखे हैं अपने बर्ड्स के लिए। उस तरफ देखो पिजन्स वगैरह हैं, तो ये काफ़ी सही है। और यहाँ पर भी पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं भाई, देखो बहुत ही ज़्यादा बड़े, और सब पर QR कोड लगा रखा, आप पढ़ सकते हो। सेम अपना दिल्ली में लोधी गार्डन और नेहरू पार्क है, वैसा ही माहौल है। बट देखो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आ रखे हैं। सॉरी ये वियतनामीज ही होंगे मेरे ख्याल से। हाय सिंचाओ। हेलो, हाउ आर यू? मुंगना मोय। वेयर आर यू फ्रॉम? अंडो। इंडिया इंडिया। यस। सो भाई अब मैं यहाँ से दूसरी लोकेशन पे जाऊँगा निकलकर। सामने देखो भाई एक मंदिर भी इसी पार्क में, लिखा भी हो देखो चुकमुंग नमोय 2024, यानी न्यू ईयर का बैनर लगा रखा वहाँ पर। और यहाँ फ्लावर्स का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, देखो फ्लावर्स भी रख रखे हैं। तो ये भाई चाइनीज़ टेम्पल है मेरे ख्याल से, लेकिन है महायान स्टाइल में, देन नुई शुआ करके नाम है इस मंदिर का, देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पार्क से बाहर आ गए, और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम का बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इन दोनों जगहों पर सेम ही भाषा बोली जाती है, यानी लैंग्वेज का यहाँ फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत एक्सेंट डिफरेंट है, यानी बोलने का जो लहजा है वो थोड़ा सा अलग है। बाकी यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो वियतनामीज़ बोली जाती है, यानी साउथ वियतनाम के लोग यहाँ समझ सकते हैं और यहाँ के लोग साउथ वियतनाम की लैंग्वेज समझ सकते हैं, यानी सिमिलर है, वियतनामीज़ है, बस थोड़ा बहुत बोलने का तरीका अलग है। दोस्तों ये देखो प्रकृति का एकदम खूबसूरत नज़ारा, कितने सुंदर पेड़ लग रहे हैं ये। होचिमिन में भी देखे थे मैंने और हानोई में भी, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये यहाँ का रिक्शा भाई लोगों को लाने ले जाने के लिए, और जो भैया ने कैप पहन रखी है ये कैप भी बहुत पॉपुलर है वियतनाम में।
देखो इनके रिक्शा के भी नंबर है 29XL0026, शायद होते होंगे इंडिया में भी। आपको एक पेड़ दिखाता हूँ, देखो इतने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, पतझड़ का मौसम आ रखा है, लेकिन ये फूल यहाँ पर पूरे चारों तरफ लाइन में लगे हुए हैं। बाकी भाई यहाँ पर फिर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, यहाँ का पता नहीं भाई कब वेदर चेंज होता है, कब बारिश स्टार्ट हो जाती है, कब रुक जाती है, कुछ भी नहीं पता, बहुत जल्दी जल्दी मौसम चेंज होता है। कल कितनी तेज़ धूप थी और आज देखो ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से बारिश हो रही है, पर ठीक है आज सामान नहीं है, भीगेगा नहीं और इतनी जल्दी भी नहीं है कहीं जाने की, सो आराम से राइड करेंगे पूरा, जितना हो पाएगा उतना एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों इस रिमझिम वाली बारिश के अंदर मैं पहुंच गया हूं होताई लेक देखने के लिए। होताई लेक हानोई की सबसे बड़ी और इसके साथ ही मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आपको नज़ारा नज़र आ रहा होगा। सो मैंने अभी डिसाइड किया है कि इसके एक चारों तरफ एक चक्कर लगाने का साइकिल से, काफ़ी बड़ी है और ये शहर के वेस्ट भाग में बनी हुई एक बहुत ही सुंदर लेक है। इसके चारों तरफ बहुत सारे होटल्स हैं, पार्क्स हैं और भी कई सारी चीज़ें, तो यहाँ पर जो हानोई के लोग हैं वो यहाँ पर विश्राम करने या शांति के लिए सुबह शाम घूमने के लिए आते हैं, जैसे बहुत सारे टूरिस्ट आ जाए हुए हैं, संडे का दिन है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो उदयपुर से हम कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर फतेह सागर लेक है, उसके चारों तरफ रानी रोड बनी हुई है, वैसे इसके चारों तरफ भी एक साइकिलिंग ट्रैक, पेडेस्ट्रियल वे और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, तो वैसा ही कुछ यहाँ नज़ारा है। होताई लेक का सफ़र स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक यहाँ का प्रसिद्ध पगोड़ा दिखाना चाहूँगा, जो लगभग 1500 साल पहले बना था और इसका नाम है ट्रांगक्वोक पगोड़ा, यानी इसका मतलब होता है देश की रक्षा करना। तो एक बहुत ही पुराना बुद्धिस्ट मंदिर है जो कि एक महायाना बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो अभी हम यहाँ से अंदर की तरफ चलेंगे। पगोड़ा का निर्माण हुआ था 6th century में और ली नाम डी नाम का एक राजा था, उसने करवाया था। सो यहाँ इस पगोड़ा का काफ़ी बार नाम भी चेंज हुआ है और जगह भी बदलती रही है, पहले किसी नदी के किनारे था उस, और यहाँ से अभी हम इस पगोड़े में एंटर होने वाले हैं। यहाँ के लोगों के लिए पूजा का स्थान और टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए एक बहुत ही आकर्षित केंद्र है। ये 9 मंजिला बना हुआ एक स्तूप है जिसको दूर से आप देख सकते हैं और इसको कमल के रूप में बनाया गया है। यहाँ के पूजा के अंदर आप देखोगे बहुत सारे फल फ्रूट रखे जाते हैं, पानी की बोतलें रखी जाती हैं, यानी भगवान को समर्पित हैं ये सारे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें चढ़ा रखी हैं, दीपक भी जला रखा है। ये यहाँ वियतनाम की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रेस है, यानी सूट कह सकते हैं। हाय सिंचाओ, सो ये ड्रेस भाई यहाँ पर अपने सूट जैसी है लेकिन ये अलग था, इसका नाम दूसरा है। इस तरफ आप देखेंगे मैंने मेरी साइकिल को वहाँ पार्क किया है। How are you? Yes, we are fine. Oh, we are sis, मेरी फोटो दिखा रही है भाई। You are Vietnamese, yes, nice. Welcome to Vietnam. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, come on. Yeah. ये बच्ची देखो भाई कितनी प्यारी है। Hello. Hello. यहाँ पर 1959 में एक पीपल का पेड़ बोधि ट्री भेंट किया गया था, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भेंट किया गया था जहाँ पर भगवान बुद्ध जी ने अपनी शिक्षा दी थी। तो यहाँ वो पेड़ भी है आज भी 1959 से अभी तक, पीपल का पेड़। सो काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है और यहाँ पूजा करने का तरीका आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से की जाती है, जैसे यहाँ पर ये लोग अगरबत्तियाँ चढ़ा रहे हैं हर एक कोने में। यहाँ पर एक अगरबत्ती आपको एक जगह चढ़ानी होती है, जैसे अभी वो लड़की यहाँ चढ़ा कर गई अगरबत्ती, सो जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वहाँ वहाँ आप अगरबत्तियाँ चढ़ा सकते हैं। सो अलग अलग जगह पूजा करने के लिए, और चलो अपन चलते हैं अंदर की। तो मंदिर के अंदर का हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब कौन है, यहाँ के पूर्वज हैं, यानी जो बहुत ही पुराने राजा महाराजा हो गए, जो मॉन्क बन गए थे, उनकी सबकी मूर्तियाँ यहाँ पर, जो यहाँ पर यहाँ के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, ऐतिहासिक जो लोग हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पर। भाई ये मंदिर के अंदर का हिस्सा बहुत ही खूबसूरत, कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं इसके अंदर, लोग यहाँ प्रे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तरीका होता है प्रे करने का। पीछे की तरफ था वो था राजाओं के लिए, राजा थे उनके ग्रेवयार्ड थे शायद मेरे ख्याल से जहाँ वो रखे हुए थे। और इस तरफ है यहाँ पर ये बुद्धा जी का मंदिर, अभी मैं आपको अंदर लेकर गया, आवाज़ नहीं करनी थी, बहुत सारे लोग प्रे कर रहे थे, संडे था इसलिए। ये नज़ारा यहाँ का, और ये भाई वही पेड़ है जो मैं आपको बता रहा था 1959 में हिंदुस्तान से गिफ्ट में मिला, लगभग 65 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, बहुत ही बड़ा है। तो चलो भाई चलते हैं, अभी सामने कुछ लिखा हुआ चाइनीज़ लैंग्वेज में, आगे लोकल कुछ है, देख रहा हूँ क्या है, तो इसके अंदर डाल के इन्होंने दे दिया और इसके ऊपर चिपका दिया, तो एक बना दी इन्होंने एक जानी क्या चीज़ है, इन्हें घुमा कर इस तरीके से बनाई। अब देखो आप ये दूसरी बना रहे हैं, इसके अंदर ये कुछ है और इसके अंदर घुमा के ऐसे प्रिंट पर चिपका दिया जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो भाई नज़ारा पूरा, देखो अभी धुंध चली गई, पहले बहुत ज़्यादा तेज़ धुंध थी जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अब ठीक हो गया थोड़ा मौसम। सो दोस्तों नमो बुद्धाय, यहाँ है पीछे की तरफ मंदिर, और ये जो मंदिर है ये 1500 साल पुराना है, मैं शायद बताना भूल गया वीडियो में, 1500 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। और
बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इतने टूरिस्ट आ रहे थे यहाँ पर देखने के लिए। और अपना इंडिया वाला पीपल का पेड़ देख लो भाई, वो रहा सामने। चलो दोस्तों, यहाँ मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं लोग, देखो ये काफ़ी पॉपुलर है वियतनाम में, सारे बंदे मछलियाँ पकड़ते रहते सब कोई। और भाई ये लेक है ना, ये बड़ी लेक है, तो इसके चारों तरफ अपने गेड़ी मार सकते। दोस्तों वियतनाम में ये चीज़ बहुत पॉपुलर है, साइकिल के ऊपर फूल बेचना आपको रोड पर बहुत दिख जाएगा। और वियतनाम में फूलों का लोगों को इतना शौक है भाई, हर जगह पर। आपने अगर मेरा टेट फेस्टिवल वाला वीडियो देखा हो तो भाई कितने फूल थे टेट के टाइम पर, ये सारी की सारी रोड्स वगैरह सब एकदम फुल रहती हैं, चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं, फ्लावर से फ्लावर। यहाँ पर राइट साइड में कॉफी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। हानोई बहुत ही क्राउडेड शहर है, तो जब भी लोगों को शांति फील करनी होती है, थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है, तो यहाँ इसके किनारे आ जाते हैं और यहाँ कॉफी पीते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हाथाई लेक के पीछे कहानी है कि यहाँ पर एक ड्रैगन किंग हुआ करता था, यानी ड्रैगन राजा था। उस राजा ने यहाँ पर एक नौ पूंछ वाली एक लोमड़ी थी जिसकी आत्मा बहुत उबदरु मचा रही थी, तो राजा जी ने क्या काम किया, लोमड़ी को उठाकर और यहीं दफना दिया था, यहीं फेंक दिया था इस लेक में। तब ये लेक बनी थी बहुत सालों पहले, और तब से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ की हिस्ट्री में, यहाँ की किताबों में। तो ये 17 किलोमीटर का इसके चारों तरफ का राउंड है, तो भाई मैं साइकिल से ही अब यही राउंड कंप्लीट कर रहा हूँ। चलो देखते हैं हाथाई और नौ पूंछ वाली लोमड़ी की कहानी को, कितनी दिलचस्प है, लेट्स गो भाई। होता ही लेक, उसका चेक पॉइंट ये है, चेक इन पॉइंट, यहाँ देखो ड्रैगन से बना रखे हैं दो। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर 17 किलोमीटर की लेक है, तो 17 किलोमीटर में इन्होंने रेस्टोरेंट बना रखे हैं भाई, कॉफ़ी शॉप है, बड़ी बड़ी कॉफ़ी शॉप। मैंने इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं देखा किसी भी जगह पर जहाँ यहाँ पर है। जो देखो कॉफ़ी शॉप्स कितनी फुल पड़ी हैं, सारी की सारी कॉफ़ी शॉप, ऐसी कोई दुकान ही नहीं है। देखो लैंड हाउस कॉफ़ी, मून कॉफ़ी, सारी ए टू जेड। मैं क्या बताऊं यार, मैंने लाइफ में इतनी कॉफ़ी शॉप्स नहीं देखी है, क्योंकि लोग यहाँ कॉफ़ी पीना बहुत पसंद करते हैं। और वियतनाम की कॉफ़ी है ना, मैंने अभी तक जितनी भी कॉफ़ी पी है उन सब में स्ट्रॉन्ग है, यानी समझ लो कि भाई पूरा कैफीन ही ले रहे हैं पूरा। ये देखो सुंदर सुंदर तो यहाँ पर होटल हैं चारों तरफ, और हल्की हल्की बूंदाबांदी और ख़तरनाक। अभी तक मैंने सुबह से 20 किलोमीटर कम्प्लीट कर लिए हैं, और लेक के चारों तरफ मेरे ख्याल से मैंने 7-8 किलोमीटर हो गए होंगे, 10 किलोमीटर का सफ़र होता है करना है। बाकी सब लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं साइकिल से, यहाँ साइकिल्स रेंट पे मिलती हैं आपको बहुत ही ज़्यादा। ये कॉफ़ी शॉप देखो कितनी कलरफुल बना रखी है, बाकी सब यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और ये भी कॉफ़ी शॉप है। एक चीज़ और, जैसे अपने इंडिया में भी उदयपुर है, वहाँ फतेह सागर लेक है, उसके चारों तरफ भी आपको ऐसी ही रोड मिलेगी। अगर आप कभी नहीं गए हो ना भाई उदयपुर, जाओ आपको मज़ा आ जाएगा, पूरा ऐसा ही माहौल मिलेगा, वाइट वाइट सा ऐसी रोड है, और बस कॉफ़ी शॉप्स नहीं है इतनी, वहाँ पर अपने खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। सामने आपको रेड रेड बस दिख रही है, इससे सिटी टूर बहुत पॉपुलर है। मैंने आपको होचीमिन में घुमाया था, ट्रैवल कर सकते हो, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाएंगे, कि रोकते नहीं है, कंटिन्यूसली सिटी टूर करवाएंगे। दोस्तों अभी मैं एक कॉफ़ी शॉप में आया हूँ, इस कॉफ़ी शॉप का नाम है ज़ियांग कॉफ़ी शॉप, और ये वियतनाम की सबसे पॉपुलर कॉफ़ी शॉप कह सकते हैं। ये 1940 में ओपन हुई थी, और यहाँ पर आप क्राउड से अंदाज़ा लगा सकते हो, सिर्फ एक कॉफ़ी पीने के लिए लोग आए हैं। और ये लगभग तीन चार फ्लोर की बिल्डिंग है, और एकदम फुल भरी हुई है, जगह नहीं है कहीं भी, तो ये लो हमारी कॉफ़ी नहीं है, दूसरे किसी है। तो यहाँ की जो सबसे पॉपुलर कॉफ़ी बताई जाती है वो है एग कॉफ़ी। एग कॉफ़ी की कहानी क्या है उसके पीछे, वो अब आप सुनो। एग कॉफ़ी मैं बता रहा हूँ, वो एक गियांग नाम के बंदे ने बनाई थी। ये 1940 की बात है, जब यहाँ पर फ्रांसीसी लोगों के साथ युद्ध चल रहा था, तब जो गियांग नाम का बंदा था वो एक होटल में काम करता था। युद्ध के दौरान दूध की कमी हो गई, तो उसने सोचा कि मैं इसके अल्टरनेटिव क्या निकाल सकता, तो उसने अंडे को लिया, और अंडे के जो वाइट वाइट सा होता है उसको घुमाकर उसने एग कॉफ़ी बनाई, और जो कि यहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस वक्त वियतनाम में, और हानोई में सबसे ज़्यादा पी जाती है, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी 1940 में। तो सपोज करो भाई एग कॉफ़ी, लोग यहाँ सिर्फ एग कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं, और ये नज़ारा भाई यहाँ का, ये ऐसे रूम बने हुए हैं बहुत सारे इस बिल्डिंग में, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ये जो कॉफ़ी है ये एक इतिहास और संस्कृति दोनों को डिफाइन करती है, तो कभी भी आप वियतनाम आओ तो कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा आ जाएगा। और दूसरी चीज़, इस कॉफ़ी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा पिया जाता है। मुझे यहाँ पर जो लेक रही है वो एक साइकिलिस्ट है, तो उन्होंने अपने लिए अंडे वाली कॉफ़ी ऑर्डर की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये होती है भाई कॉफ़ी, देखो बाहर पानी डाल रखा है, और इसके अंदर ये अंडा सा है, और इसके ऊपर ये थोड़ा वो है कस्टर्ड सा लग रहा होगा आपको, तो ये कुछ नज़ारा होता है। आप देखो ये है भाई अंडे वाली कॉफ़ी, ये है तरीका इसका पीने का, नीचे गर्म पानी रहता है ताकि जल्दी से ठंडी ना हो, तो इसका आनंद उठाते हैं लोग भाई, गजब की चीज़ है यार। तो भाई ये कॉफ़ी शॉप है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना क्राउड है। देखो भाई चारों तरफ भीड़ भड़ाका फुल है एकदम, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कॉफ़ी शॉप है भाई ये,
इसको यहाँ पर देखो, ऊपर की तरफ भी है बैठने के लिए, और यहाँ से नीचे भी जाओगे तो भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ये यहाँ काउंटर है, यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है, तो यहाँ पर पेमेंट करके फिर बाहर चलेंगे। इधर भी देखो भीड़ बढ़ा, देखो भाई यहाँ फोटो भी लगा रखी है। पहले कुछ ऐसे हुआ करता कि कैफे ज़ियांग, नाइस। चलो भाई साहब चलते हैं। बाकी इस जगह की एक कहानी और बताता हूँ आपको। यहाँ देखो एंट्री कुछ इस तरीके की है इस जगह की, और इसके बाजू में अपना एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, चाय करके कुछ है। तो भाई ये है 1946 में खुला था, सॉरी ये कॉफी 1940 में बनी थी है, और ये खुला था 1946 में। अपनी रेलन यहाँ पर खड़ी है भाई, देखो ये तो चलते हैं। ये है ऊपर तक का नज़ारा इसका, और वहाँ अपना इंडियन चाय है, दोस्ती चाय करके कुछ है। तो दोस्तों जिस जगह पर मैं अभी हूँ इसको वियतनाम के हानोई शहर का ओल्ड क्वार्टर बोला जाता है। यहाँ आपको जितनी भी जगह नज़र आ रही है इसको ओल्ड क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। ये इलाका लगभग 1000 साल से भी पुराना है। यहाँ पर पतली गलियाँ हैं, ट्यूब हाउस हैं, और यहाँ पर बहुत सारे भूल भुलैया वाले रास्ते हैं। ये सांस्कृतिक और वाणिज्यिक रूप से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी यहाँ पर कई सारे बॉम्बू या फिर सिल्वर का बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा। टूरिस्ट इस जगह पर घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग आपको खाना खाने को मिल जाएगा, जिसमें वियतनाम का फो जो कि बीफ और पोर्क से बनता जो काफ़ी पॉपुलर है, उसके साथ ही यहाँ पर बानवी जो कि फ्रांस का कंसेप्ट था, बानवी एक ब्रेड होती है उसके बीच में ये लोग वेजिटेबल्स वगैरह या फिर नॉन वेजिटेरियन बेचते हैं, और एक अंडे वाली कॉफ़ी काफ़ी पॉपुलर है इस इलाके में। बाकी यहाँ की गलियाँ अगर हम अंदर जाएंगे तो छोटे छोटे घर आएंगे, जैसे अपने चांदनी चौक से हम कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर यहाँ की लोकल चीज़ें बेची जाती हैं, खासकर यहाँ की जो भी पॉपुलर चीज़ें हैं वियतनाम की, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के साथ साथ देश दुनिया से लोग घूमने आते हैं, और ये यहाँ पर झील के किनारे बना हुआ एक छोटा और बड़ा कह सकते हैं इलाका है। तो यह इधर अपने इंडियन चाय भी है, दोस्ती चाय, खाली पड़ी है जो कि बिल्कुल भाई। तो चलो अपने लीलन को लेते हैं और निकलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई, आप भी हानोई आओ तो यहाँ विजिट कर सकते हो, आपको मज़ा आ जाएगा। घूमने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जगह हैं, यहाँ बहुत सारे पगोड़ा हैं, और फ्रांसीसी लोगों ने इसको गुलाम बनाया था, तो उनकी भी बहुत सारी छाप, रेस्टोरेंट्स वगैरह या फिर कुछ ऐतिहासिक जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। आए चिंचाओ। तो चलो अपन लोग निकालते हैं अपने लीलन को यहाँ से और बढ़ते हैं। ये है कैफे ज़ियांग करके, बढ़िया जगह। और एक पॉपुलर चीज़ आप ये देखोगे यहाँ के रिक्शा में आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इस तरीके से यहाँ पर रिक्शा चलते हैं जिनमें दो दो लोग बैठकर सवारी ढोते हैं। अपने यहाँ के रिक्शा से बहुत ज़्यादा अलग हैं, देखिए इसमें दो लोग बैठे हैं, पीछे आराम से एक बंदा हाथ रखकर चला रहा है, हालांकि बहुत टफ होता होगा, मैंने कभी नहीं चलाया, बट हाँ ये काफ़ी मज़ेदार है यहाँ की जगह। लेट्स गो। ये बसेस जो आप देख रहे हो टूरिस्ट के लिए यहाँ पर इस इलाके को घूमने के लिए आए। यहाँ से जो ओल्ड क्वार्टर है इसमें एक डोंगजुआन करके मार्केट है, जो कि 1889 में जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया था। उस मार्केट में जाकर हम देख पाएंगे कि वहाँ के लोगों की दिनचर्या क्या है, किस तरीके से लोग वहाँ सामान बेचते हैं, और यहाँ की सारी चीज़ों का आप अनुभव कर पाएंगे। तो अभी अपन चलते हैं डोंगजुआन मार्केट, जो लगभग 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो वो देखते हैं। चलो तो डोंगजुआन जाने के लिए हमें कुछ ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। हानोई पाउन होटल और होटल्स के साथ साथ यहाँ की लोकल चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं। ये टूरिस्ट से भरा हुआ एक भरपूर बड़ा मार्केट है। साइकिल से घूमना यहाँ पर बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त रहेगा। इलाके को हानोई का सिटी सेंटर कहेंगे, यानी सब कुछ इसी के आसपास में है, और ये काफ़ी पॉपुलर जगह है। देख सकते हैं किस तरीके से इसको बना रखा है, चारों तरफ आप यहाँ दुकानें देख सकते हैं। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि शायद आप दिल्ली के किसी भाग में ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे ऐसी फील आती है, लेकिन ये काफ़ी अलग है और ऐसा हमारे यहाँ भी माहौल मिल जाता है। काफ़ी टूरिस्टिक एरिया है, और ये रिक्शा बड़ा ही गजब है, देखो सब लोग इसी में घूम रहे हैं। हाय। चलो भाइयों हम पहुंच गए हैं डोंगजुआंग जो मार्केट है वहाँ पर। अब यहाँ से एंटर होने के दो रास्ते हैं, एक उस तरफ से एक इस तरफ से। ये इसी इलाके में बना हुआ एरिया है भाई, तो चलो चलते हैं। लेकिन मैं पहले वहाँ पर एक फ्लैग की दुकान है, झंडे मिल रहे हैं वहाँ पर, वो झंडे ट्राई करने जाऊँगा एक बार, बट पहले देखता हूँ इस चक्कर में, अंदर बाद में जाऊँगा। तो भाई ये एंट्री है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, चॉकलेट्स वगैरह मिल रही हैं यहाँ पर डोंगजुआंग मार्केट की। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खरीदने की, देखते हैं। बाकी काफ़ी बड़ा लग रहा है यार ये मार्केट तो। चलो चलते हैं अंदर की तरफ, ये माहौल है कुछ यहाँ का। तो भाई देखो ये यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो मिल रही हैं यहाँ पर, वियतनाम को रिप्रेजेंट करने वाली हैंडीक्राफ्ट समझ लो, डोंगजुआंग आर्ट। और ये मार्केट का ऊपर वाला फ्लोर है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है,
ये मुझे कुछ खास नहीं लगा, ये तो सब जगह ही होता है। बाकी चीज़ें खरीदने के लिए ठीक है, यहाँ पर देखो दुकानें वगैरह हैं, बढ़िया जगह है। 35 किलोमीटर का सफ़र तय किया अभी तक सुबह से, देख लो करकरा के पहुँच गए फाइनली। दोस्तों 6:19 हो गई है और मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ लैपटॉप खरीदने के लिए भाई, और मेरा पुराना वाला लैपटॉप है वो ये लैपटॉप था HP का, जो मैं पिछले 8-9 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने ख़रीदा था 2015 में और अभी चल रहा है 2024, यानी 9 साल हो गए इस लैपटॉप को। ये मैंने सिर्फ कॉलेज वर्क के लिए, PPT वगैरह बनाना वही सब कामों के लिए लिया था। फिर मैंने इसमें एडिटिंग करना स्टार्ट किया, मेरे एक दोस्त ने मेरी हेल्प की और तब से मैं फिर इसका यूज़ कर रहा था। मैं जा रहा हूँ मैकबुक एयर खरीदने के लिए। मेरे पास इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मैकबुक एयर अफोर्ड कर सकूं, बट मुझे मजबूरी में ख़रीदना पड़ रहा है क्योंकि लैपटॉप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मेरा टाइम बहुत ख़राब करता है। जब भी मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ मेरे रात के 1-1.5 बज जाते हैं, और एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि वीडियो एडिट करने के बाद रेंडर ही नहीं हुई और वो हट गई, तो बड़ा दुख होता था। सो मैंने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं लूँगा आप तो लैपटॉप, और यहाँ थोड़ा सा सस्ता है मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार का, बट लेट्स सी, उस पर डिपेंड करता है जब हम कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कितना चार्जेज लगता है। मैं ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा, स्माइल रखता हूँ चेहरे पे, जाता हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा। भाई साहब हानोई में राइड स्टार्ट कर दी है, शाम के 6:31 हो गए हैं, मैं आ गया हूँ 2-3 किलोमीटर। और भाई ये देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हानोई काफ़ी बड़ा पॉपुलर शहर है भाई और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा ही है ट्रैफिक के मामले में। अब देखो इतनी रेड लाइट है यहाँ पर, इतनी रेड लाइट है, और जब रेड लाइट खुलती है ना 4-5 सेकंड पहले तो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप कभी आना ही आओ तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि भाई साहब आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखना यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, अरविंद भैया ने मुझे एक जगह बताई थी जहाँ शॉपिंग करने के लिए, और शायद उन्होंने डीकैथलन ने बता दिया मुझे, वियतनाम का डीकैथलन बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई, बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया से, बट मैं फिर भी आ ही गया चलो देखने के लिए। लैपटॉप खरीदने नहीं आया भाई, स्पोर्ट्स लोअर खरीदने थे मेरे को। बाकी ये जो ब्रांड दिखा रहा था ये विनफास्ट है, जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी ना भाई, कितने सारे खड़े देखो नीचे, और सारे मेरे ख्याल से आगे लोगों के होंगे नंबर प्लेट वगैरह सब है इनके, पता नहीं क्या सीनर भाई, पूरा भरा हुआ ये ऐसे ऐसे कलर के एक जैसे रंग के। ये विनफास्ट ब्रांड बता रहा था ना, यहाँ वियतनाम का ब्रांड है लिखा हुआ विनफास्ट, तो ये बड़ी पॉपुलर है यहाँ पर और सस्ते भी होंगे हर जगह पर, आपको ये दिखेंगे लोगों के पास में, क्योंकि जिस कंट्री का जो ब्रांड होता है वो हमेशा चीप मिलेगा, बाकी यहाँ पर सारे बाहर के ब्रांड हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये इनका इकलौता ब्रांड है शायद ये विनफास्ट गाड़ियों के अंदर। ये देखो इस तरफ चारों तरफ ये स्कूटर खड़े हैं एक ही रंग के, इस तरफ देखो। सो भाई भैया ने मेरे को बताया डीकैथलन ही बताया था और यहीं आ गया हूँ मैं, ये सारे के सारे मेरे पास रखे हुए हैं, ये तो मेरे को खरीदना ही नहीं है, पहन ही नहीं सकता मैं साइकिलिंग के टाइम पर। मुझे चाहिए था कोई लोअर भाई जिसको पहन कर मैं साइकिलिंग कर सकूँ, लेकिन निराशा याद लगी फिर से, डीकैथलन में नहीं है अपने जैसा, इंडिया जैसा नहीं है भाई। रात के लगभग 10 बजने वाले हैं और ये जो शॉप होती है ना JCB करके है, FBT करके शॉप होती है ना, यहाँ से मैंने वो बुक कर लिया भाई अपना, और अपनी साइकिल यहाँ पर खड़ी है, तो इन्होंने बोला कि कल सुबह आप 10 बजे आ जाना, 10 बजे आकर ले सकते हो। अब दिक्कत क्या आती है कि भाई अपनी पेमेंट की प्रॉब्लम होती है, अगर मैं कैश विड्रॉ करूँगा यानी अप्रोक्स होते हैं भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर है 18 मिलियन के आसपास, यहाँ पर मुझे पेमेंट करनी है 18 मिलियन वियतनामीज डोंग के आसपास, और उसके बाद अगर मैं कैश निकलवाऊंगा तो भाई चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मेरे 5-7 हज़ार रुपये से ज़्यादा ही चार्ज लग जाएगा, क्योंकि बार बार विड्रॉ करना, क्योंकि 3 ही मिलियन निकाल सकते हैं यहाँ के बैंक से और पता नहीं कब से कब तक, तो ये दिक्कत है भाई। तो इसलिए मैंने इनको बोला भाई कार्ड ले लेना या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करवा लेना, तो उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं कल। बाकी अब मैं यहाँ से निकलूँगा, रात के 10 बज गए भाई ऑलमोस्ट, तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये माहौल है यहाँ का और ये सारा इलाका भाई, आज भी भाई जब मैं सुबह मॉर्निंग में मैंने 30-35 किलोमीटर की थी और अभी भी मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर हो गई होगी, क्योंकि मैं यहाँ से खाना खाने गया फिर वापस आया और उसके बाद एक दो जगह और गया था, तो ऐसे करते कि हाँ वो कपड़े खरीदने के लिए गया था मुझे याद आ गया, तो कपड़े खरीदने के लिए मैं 2-3 दुकानों में घुमा इधर उधर करके, पता नहीं यार नहीं मिला, मेरे साइज़ का मिला ही नहीं यहाँ पर। वियतनाम में मैं आया तब से ट्राई कर रहा हूँ, ना तो डीकैथलन में मिलता है ना कहीं और मिलता है, डीकैथलन में बहुत एक्सपेंसिव है यार, क्यों इतने पैसे ख़राब करना। बाकी लोअर्स तो डीकैथलन के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, तो लेट्स गो भाई। ये कल अपना लैपटॉप आ जाएगा और उसके बाद थोड़ा आसान हो जाएगा, आज मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया क्योंकि मैं एडिट करने बैठा था, फिर ये इधर आ गया मैं काम वाम करवाने के लिए। कल रात को मैं यहाँ पर पहुँच गया था फ्लैट पर, उसके बाद सो गया था, और अब इस वीडियो को एंड करते हैं, नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, और जैसा चाहो वैसा सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।